बनाना प्राइम के इस शो जिमीज पेट्स डायरी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे परिंदे से जो खुद एक शिकारी परिंदा है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो शिकार करता है शिकारी जानवरों का, यानी कि लोमड़ी, गीदड़, बंदर भी उससे नहीं बच सकते। इस किस्म का वो शिकारी जानवर है और उसकी रफ्तार का मुकाबला जो है वो बाज भी नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त तेजी के साथ वो उड़ता है और इतनी स्पीड में वो डाइव मारता है कि उसके शिकार का उसके पंजों से बच जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बर्ड एक नौजवान के पास मौजूद है। उस नौजवान का क्या नाम है, वो कैसे बर्ड यहाँ तक पहुँचा, उसकी एक कहानी है। तो आए पहले इस बर्ड को देखें कि ज़रा ये क्या चीज़ है, उसकी चोंच को देखें, उसके नाखूनों को देखें, उसके परों को देखें, अंदाज़ा लगाएं कि ये बर्ड कौन सा है और ये कितना खूबसूरत बर्ड है और किस किस्म का ये शिकारी बर्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हारून साहब, और हारून साहब के पास माशाल्लाह ये बर्ड मौजूद है जिसे गोल्डन ईगल कहा जाता है, और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है आप इसके पंजों से अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने एक ग्लव्स पहना है जो कि इनके लिए कह रहे हैं कि ये ग्लव्स भी अभी 50% इनके लिए सिक्योरिटी दे रहा है और 50% अभी भी ज़ख्मी होने के चांसेस हैं इसके नाखूनों से। और ये इन्होंने इसको एक कैप पहनाया हुआ है ताकि ये सुकून से बैठा रहे, शांत रहे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम हारून साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये आपका शौक है, या जैसे कि आप मुझे बता भी रहे थे कि आपका कोई दारा भी है, तो थोड़े से उसके बारे में मुझे तफसील बताएं, फिर हम इस बर्ड के बारे में बात करेंगे। असलम जुनेद भाई, असल में ये हमारा एक इदारा है जो कि कराची फैलकनी एसोसिएशन के नाम से, ठीक है, उसको हम यहाँ पर चला रहे हैं सिंस तकरीबन 2009 से कराची के अंदर। और इस इदारे के अंदर हमने एक अचीवमेंट भी हासिल करी जो कि हमने एक यहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहता जिसके अंदर अचीवमेंट हमने हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोजेक्ट का एंड भी इसी सितंबर में भी हमने किया है, और दोबारा इंशाल्लाह आगे कुछ जगह की इश्यूज़ की वजह से प्रोजेक्ट हमें वो ख़त्म करना पड़ा। तो आगे हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि कुछ और इदारों के साथ मिलकर इस परिंदे पे और इस बाज़दारी के ऊपर जो भी काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो वो उसके ऊपर अभी हम और मज़ीद काम करने का सोच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में आपको उसकी भी कुछ अच्छी खबरें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, इनका जो है ये इदारा जो है ये बेसिकली रेस्क्यू, कंजर्वेशन और इन परिंदों को दोबारा से इनके नेचुरल हैबिटेट में आबाद करने का ये काम कर रहा है, और ऐसा हम कम ही देखते हैं कि इस तरह के जो शिकारी परिंदे हैं उसके ऊपर इस तरह का काम हो रहा हो, कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है इनको संभालना, इनको रखना, इनकी नेचर के अंदर इनको वापस भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इनके जो बाजू होते हैं और इनके जो विंग्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये यकीन माने जब ये अपने पर हिला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई पंखा चल रहा है, और बज़ाहिर ये आपको शायद यहाँ पे अभी छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन जब ये अपने विंग्स खोलता है तो अंदाज़ा होता है कि ये उड़ते वक्त कितना बड़ा साइज़ इसका महसूस होता होगा, और अगर मैं गलत नहीं उसके शायद 4 से 4.5 फीट का एक विंग होगा जब ये ओपन करता है। ईगल का जो सबसे कम विंग स्पैन होता है वो 7 फुट और 3 इंच होता है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में रिसर्च करने के बाद विकिपीडिया ने इसका अंदाज़ा लगाया है, जो रेफरेंस है वो है 9 फिट 3 इंच का पर, जो कैप्टिव ब्रीडिंग में सबसे लास्ट गोल्डन ईगल था, इससे बड़ा आज तक ना देखा है ना कोई रिसर्च में आया। यानी कि जब ये अपना एक पर खोल रहा है तो एक पर ये बता रहे हैं कि कम से कम भी 7-7.5 फुट का होता है, दोनों विंग पूरा विंग स्पैन जो है कम से कम 7.5 फुट का होता है, यानी मेरी जो हाइट है वो 5.9 है, तो मुझसे भी कहीं 2-2.5 फुट लंबा जो है इसके परों का जो है वो फैलाव होगा, ये कम से कम गोल्डन ईगल का होता है, और जो मैक्सिमम है वो 9 फुट तक रिकॉर्ड किया गया कैप्टिव के अंदर यानी कैद के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमने तो बचपन से सुना है कि बाज बहुत ज़्यादा तेज़ परिंदा है और बाज बहुत ज़्यादा तेज़ से आता है शिकार करता है, तो क्या ये बाज से ऊपर है या बाज इससे ऊपर है? देखें, फैल्कन, हॉक और उकाब, ये तीनों चीज़ें, फैल्कन, हॉक और ईगल, तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तीनों के गेम्स अलग हैं, तीनों के शिकार की जगह अलग हैं, तीनों की रहने की जगह अलग हैं, तीनों की टेक्निकलिटीज़ अलग हैं, हर चीज़, ये तीनों डिवाइडेड हैं फैल्कनरी के अंदर। तो फैल्कन को आप ईगल से रिजेंबल नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते, आप ईगल को आप हॉक से कंपेयर नहीं कर सकते, तीनों के अलग अलग गेम्स हैं।
हॉक्स जो होते हैं वो झाड़ियों में शिकार करते हैं, ईगल्स जो होते हैं वो मैमल्स पे बड़ी फील्ड्स में करते हैं, फैल्कन्स जो होते हैं वो किसी झाड़ी में या उसमें नहीं घुसते, वो सीधी जो फील्ड होगी आपकी उसी में से वो चेस करने के लिए होता है। ये किस चीज का शिकार करता है? ये हमारे जितने भी मैमल्स होते हैं, आपकी फॉक्स हो गई, मारखोर के बच्चे जो होते हैं थोड़े छोटे, जो मारखोर जो पहाड़ों पर रहता है उसके बच्चे भी उठा के ले जाता है। ये मारखोर का सबसे ज्यादा शिकारी है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे टॉप नंबर वन जो गोल्डन ईगल है, मतलब गोल्डन ईगल के अंदर भी कुछ स्पीशीज हैं जो कि अलग अलग ओरिजिन की होती हैं। यूके की है, यूरोपियन है, साइबेरियन है, फिर हमारा हिमालयन है, एशियाटिक, फिर कजाकिस्तान, मतलब इस साइड वाला चाइनीज गोल्डन भी है। ये कौन सा वाला है? ये हमारा हिमालयन गोल्डन है। ये हिमालयन गोल्डन ईगल है और ये पहाड़ों के ऊपर मारखोर के बच्चों को भी उठा के ले जाता है और कैरन लोमड़ी का भी शिकार करता है। और जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये मैंने वीडियोस भी वैसे देखी है कि फॉक्सेस वगैरह को जो पहाड़ से ईगल उठा कर ले जाते हैं मिलेंगे इसके, कोई ऐसी मतलब सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, आपको क्लियर इसके रेफरेंसेस भी मिलेंगे गोल्डन ईगल्स के, हिमालयन गोल्डन ईगल्स के। ये जो अभी इसका पंजा है तो इतना बड़ा तो उसका, ये अंगूठे के वाला जो नाखून है ना, कम से कम इतना बड़ा तो है। ये देखें, ये देखें बड़ा ये टैलन होता है, ये देखें कितना इतना बड़ा इसका साइज है। तो ये कितना नुकसान कर सकता है अगर आपने अभी ये हाथ पे ग्लव्स ना पहना हो? ये हाथ पे भले मैं ग्लव पहना हूँ या ना पहना हूँ, अगर ये चाहे तो अभी मेरे कलाई की पूरी हड्डी ये तोड़ सकता है, पूरी हड्डी फ्रैक्चर कर देगा ये भी। ये पूरी हड्डी अभी तोड़ सकता है चाहे मैं ग्लव पहना हूँ या ना पहना हूँ, क्योंकि एक नाखून की चुभन की एक अलग चीज है, दूसरा जो पंजे की उंगलियों की जो ग्रिप होती है वो इतनी ज्यादा है कि नहीं कर सकते अंदाजा। मतलब आप खुद सोचें कि ये एक बर्थडे अराउंड ये होता है, सबसे मैक्स इसका जो वजन होगा ना वो 7 किलो का होगा, ठीक है। अब ये इतना बड़ा आईबैक्स या मारखोर का ये बच्चा या मारखोर, एक नॉर्मली मारखोर भी आप अंदाज़ा लगा लें कितना कितना उसका वेट होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अराउंड 25 kg तो होगा ना। तो 7 kg का एक बर्ड, 25 kg के बर्ड को एक खींच कैसे सकता है? वो सारा ताकत सिर्फ इसके ये पंजों की है। ज़बरदस्त, यानी इसकी जो इसका जो सबसे पावरफुल हथियार है वो उसके पंजे हैं। अगर जब ये अपने शिकार को दबोचता होगा तो आधा शिकार तो ये वहीं पर ही ढेर कर देता होगा। ओफ, अभी इसके विंग्स देखें। गोल्डन ईगल जब हम वर्ड सुनते हैं तो ऐसा जहन में आता है कि यार वो गोल्डनिश रंग का होगा, तो इसको ये नाम क्यों दिया गया? बहुत से लोगों ने, यहाँ पे कुछ हमारी लोकल मार्केट्स भी हैं जिसको मैं आज बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी बहुत से लोग बता रहे होते हैं कि गोल्डन ईगल है, ये गोल्डन ईगल है, वो गोल्डन ईगल है। तो गोल्डन ईगल का मतलब ये नहीं होता कि वो गोल्डन हुआ हुआ हो तो वो गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल की ये जो नेप होती है इसकी, ये पीछे की गर्दन की जगह, ये इसकी गोल्डन होती है, ठीक है। बाकी ये कहीं से भी ऐसा गोल्डन ना, ये बचपन बिल्कुल, यहाँ के जो फेदर्स हैं गोल्डन है, बिल्कुल बिल्कुल ये इसकी सिर्फ गोल्डन होती है, बाकी ना ये सामने से गोल्डन होता है, ना ये पीछे से होता है, ना नीचे से, ना आगे से, कहीं से ये गोल्डन नहीं होता। इसकी कोई स्पेशलिटी है या ये नॉर्मल जैसे ईगल्स की चोंच होती है, या इसके बारे में भी कोई खास चीज है? नहीं, चोंच की तो इतनी कोई खास, मतलब इनका इतना खास ये हथियार नहीं होता चोंच, असल जो इनका हथियार है वो इनका पंजा ही होता है, चोंच इतनी खास नहीं है। मतलब फैल्कन और ईगल और हॉक इन सब की चोंच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सबके अंदर सेम पावर है। अच्छा, ये जो कैप इसको पिनाई जाती है, मैंने देखा है वीडियोस के अंदर भी, शेक जो है वो शिकार करवा रहे होते हैं या वो शौक कर रहे होते हैं तो कैप्स क्यों इसको पिनाते हैं? जैसे तोता वगैरह हम पालते हैं, कोई और परिंदा पालते हैं, उनको तो कैप पिनाने की जरूरत नहीं थी, इस परिंदे के लिए मखसूस ये कैप्स क्यों होती हैं? देखें, ये होता है, इसको कहते हैं हुड, ठीक है। अभी भी आप देख रहे होंगे बर्ड थोड़ा सा ये जंपिंग कर करके थोड़ा सा हाँप गया है, ठीक है। ये बर्ड होते हैं हिमालयंस, और दूसरे जो हमारे फैल्कन्स हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी लोकल नहीं होते, सारे माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, ये ठंडे इलाकों के परिंदे होते हैं। दूसरी चीज, जब इनका ये जो पर होते हैं, इनकी सारी जो भी चीज़ है ना, वो सारे इनके सिर्फ फैदर्स हैं। अगर ये उड़ने के काबिल नहीं है परिंदा तो ये किसी काबिल नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये परिंदा दुनिया का सबसे तेज परिंदा है। और शायद मैं एक आपका जवाब भी देना भूल गया कि ये फैल्कन से तेज है या नहीं। फैल्कन से तेज बिल्कुल नहीं है। फैल्कन जब अपनी स्पीड पर उड़ता है तो उसकी स्पीड इससे बहुत ज़्यादा होती है, और ये जब नॉर्मल अपनी स्पीड में उड़ेगा ये उससे कम होगा। लेकिन जिस टाइम ये शिकार के ऊपर अपने पर बंद करके स्टूप करता है तो उस टाइम सबसे वर्ल्ड फास्टेस्ट जो सेकंड नंबर पे पैराग्रीन आता है, पैराग्रीन से पहले ये गोल्डन ईगल आता है, क्योंकि गोल्डन ईगल का साइज़ पैराग्रीन के बनस्बत तकरीबन 6-7 गुना उससे ज़्यादा है। तो लाजमी सी बात है, जब आप फेंकेंगे कोई चीज़ ऊपर से नीचे तो जो भारी चीज़ होगी वो पहले नीचे आएगी या हल्की, तो ये सिर्फ एक छोटी सी इसकी एक लॉजिक है, और इससे ज्यादा वैसे इसकी यानी जो शिकार वाली जो पैराग्रीन जो है फास्टेस्ट बर्ड हो गया, लेकिन जो शिकार वाली जो सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन में जाके हम दोनों बर्ड को कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे बाजी ले जाता है, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, ग्रेविटी की वजह से ये और दुगनी स्पीड में नीचे आएगा पैराग्रीन, क्योंकि छोटा होता है।
तो ये एक बात है इसकी कि ये उस मामले में इससे भी ज्यादा तेज हो जाता है, तो फिर ये बहुत स्पीड में नीचे आता होगा और इसके ग्रीन जो होता है वो अराउंड 320-340 किलोमीटर पर आवर पे आके स्टूप करता है अपना, मतलब शिकार को जब वो फाड़ता है कबूतर या कोई भी चीज। बाकी ये जब अपनी स्टूपिंग करते हैं अपनी टेरिटोरियल जगह के लिए अपने लड़ते हैं ये, तो उस टाइम जब ये बिल्कुल स्काई से नीचे उतरते हैं तो ये अराउंड 360-380 किलोमीटर पर आवर पे आ जाता है। जबरदस्त यानी, लेकिन स्टूप की बात है ये, मैं बार बार इस चीज को बताऊं कि नहीं, सिचुएशन उस सिचुएशन के अंदर, शिकार वाली सिचुएशन के अंदर ये उसको जो है वो नंबाजी ले जाता है इसकी, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ये जो शेग वगैरह है, तो जब भी इस तरह के जानवरों का जिक्र आता है, बाज हो गया, उकाब हो गया, तो ये शेखों के साथ इनको जोड़ा जाता है, ये क्या वजह है कि ये गल्फ कंट्रीज में ये इतना ज्यादा फेवरेट है, इसकी क्या हिस्ट्री है? देखें, हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो हिस्ट्री फैल्कन्स की है सिर्फ अरब्स के साथ, ठीक है। गोरों के पास आप जाएंगे, गोरे आपको तीन चीज़ों में मिलेंगे, वो हॉक्स में भी मिलेंगे, वो फैल्कन्स में भी मिलेंगे, वो ईगल्स में भी। उसके बाद चौथी चीज़ उनकी एक आपको सबसे ऊपर दिखेगी जो कि हाइब्रिड ब्रीड होती है। गोरा हो या कोई भी हम लोगों में हो, सबसे ऊपर हो पहले यही चीज़ देता है, जो सबके पास नहीं है वो चीज़ मैं क्रिएट करूँ। तो गोरे ने सबसे पहले लिया उसकी, इसकी इंसिमिनेशन करके इसकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। जो अरब थे उनके पास थे बिल्कुल डेजर्ट एरियाज, तो उनको क्या बर्ड, अभी जैसे मैंने बताया था हर जगह के हिसाब से गेम रिजर्व होता है हर बर्ड, तो वो वहां पर सिर्फ फैल्कन ही यूज कर सकते हैं। फैल्कन को चाहिए बिल्कुल प्लेन जगह जो आप जैसे कहा, और फील्ड्स बिल्कुल सीधी, तो वहां पर वो फैल्कन ही यूज कर सकते हैं, तो वो इसलिए फैल्कन पे लग गए। बाकी जो हमारे कराची सिंध पाकिस्तान हमारे यहाँ के जितने भी इंटीरियर्स के जितने भी लोग थे, इन लोगों ने पकड़ा हमारी ये जंगल जो है झाड़ियों वाले, तो यहाँ पर इधर सारी जगह पर हॉकिंग होती है, हॉक से यहाँ पर शिकार खेला जाता है पाकिस्तान में ज़्यादातर जो खेला जाता है। और उसके बाद आपका जो मंगोल और ये कजाक इस टाइप की जितने भी आपके एरियाज हैं वहाँ पर सारे ईगल्स को यूज़ किया जाता है। जबरदस्त, तो जैसे जगहें हैं उस हिसाब से फिर वैसे वैसे बर्ड्स और वैसी ऐसी ट्रेडिशन वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ज़बरदस्त, तो जैसे कि आपने अभी बताया भी था कि आपका इदारा भी है माशाल्लाह, वो इतना काम कर रहा है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या गोल्स हैं आपके, और इस तरह के बर्ड्स के लिए मदद क्या करेंगे, और किस तरह की चीज़ें अगर आपको मिल जाए तो आप और क्या क्या कर सकते हैं? जुनैद भाई, इंशाल्लाह आपकी भी सपोर्ट है, बाकी और भी हमारे जितने भी फैल्कनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, और कुछ इदारे भी हैं, उनकी भी सपोर्ट है। उसके हिसाब से हम लोग ने अभी आगे ये सोचा है कि इंशाल्लाह जितने भी, क्योंकि मेंबर्स हैं और जितने भी फैल्कनर्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ सामने आ रही है कि यार यहाँ पर कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना कोई प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि किसी से आप गाइड ले सकें, या अगर आप अपना फ्यूचर या अपना पैशन आप इस चीज़ में फैल्कनरी में परसू करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई, मतलब एक बेसिक भी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है जो आप पाकिस्तान में किसी भी इदारे से ले सकें, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी जगहों से बात चल रही है, और इंशाल्लाह सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह इसको हम फैल्कनरी स्कूल को यहाँ पे प्रॉपरली खोलना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और जल्द इसकी न्यूज़ इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ये काम होना ज़रूरी है, वो किसी भी तरह की अगर हेल्प करना चाहें तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हारून इनका नाम है और इनके इदारे का नाम है कराची फैल्कनरी, और ये जो है स्पेशली सिर्फ इन फैल्कन्स एंड जो ईगल्स की जो ब्रीड है इनके लिए काम कर रहे हैं। इनको स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है और दीगर दूसरी फैसिलिटीज चाहिए। अगर आप किसी तरह के कंसल्टेंट हैं और इनको हेल्प आउट कर सकते हैं और किसी ऐसे इदारे से इनको मुंसलिक करवा सकते हैं जो इनकी इस तरक्की की रफ्तार को, इस काम करने की रफ्तार को दुगना कर सके, तो प्लीज़ मिलाएं। और मैं हमेशा भी ये बात कहता आया हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपने कोई अच्छा काम करना हो तो आपका नाम ईदी होना ज़रूरी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास नीयत है काम करने की तो आप काम कर सकते हैं, और ये अपनी जॉब भी करते हैं, दूसरी चीज़ भी देखते हैं, और ये एक वॉलंटियरली एक इदारा है जो किसी से कभी, कोई आपने इनको नहीं सुना होगा कि किसी से फंड ले रहे हो और फंडिंग मांग रहे हो, ये जस्ट काम करना चाहते हैं ये लड़के, ये नौजवान, तो प्लीज़ हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और थैंक यू सो मच हारून भाई, और जिमीज पेट्स डायरी में हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और ये वादे के साथ के अगले एपिसोड में हम नई जगह पर नए जानवरों के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।